नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीच एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच चल रहे विवाद के कारण कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किशोर उपाध्याय लगातार हरीश रावत पर निशाना साध रहे हैं और हरीश खुद को राज्य में सीएम के तौर पर चुनाव में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि उन्हें दो बार विधानसभा चुनाव हराने में कांग्रेस के बड़े नेता का हाथ था। किशोर का इशारा साफ तौर पर हरीश रावत की ओर है। आपको बताते चलें कि किसी दौर में हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के रिश्ते गुरु चेले वाले थे, लेकिन 2017 में सहसपुर से शिकस्त के बाद किशोर के दिल में हरीश रावत के लिए जो खटास पैदा हुई वो अब तक खत्म नहीं हुई। वहीं हरीश रावत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे एक करीबी साथी ने कई बार सार्वजनिक चर्चा शुरू की और कहा कि उन्हें सहसपुर से चुनाव लड़वाने की साजिश थी ताकि वह चुनाव हार जाएं। रावत ने 2017 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि किशोर ऋषिकेश से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने डोईवाला रायवाला को भी अपनी लिस्ट में रखा था। उनकी सहमति से सहसपुर सीट पर उनका नाम फाइनल किया गया था। दूसरी ओर इस सियासी ड्रामे पर विपक्षी नेता चुटकी ले रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं। किशोर उपाध्याय जी और हरीश रावत में वार्ता चल रही है, वाद विवाद नहीं चल रहा है। आप जो कह रहे हैं कि वाद विवाद चल रहा है, कोई ऐसा वाद और विवाद नहीं है, वार्ता चल रही है। और लोकतांत्रिक शासन पद्धति में अपनी बातों को कहने का और बिल्कुल खुले रूप में अपनी बात को प्रदर्शित करने का, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का, ये सभी को अधिकार है। क्या सर कांग्रेस भाई किशोर जी ने एक बात कही, हरीश रावत जी ने उसमें अपनी बात कही और स्पष्टीकरण दिया कि इसको इस बात को कि वो सहसपुर से चुनाव लड़े इसको अन्यथा न लिया जाए। कुछ अंतर्कलह कांग्रेस में सर? कोई अंतर्कलह नहीं, बिल्कुल कोई अंतर्कलह नहीं। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की आपसी वार्ता को कलह या अंतर्कलह का नाम न दिया जाए। तो ये आपसी जो इनकी खींचतान है उससे हरीश रावत जी हों या दूसरे कांग्रेस के नेता हों, उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। हरीश रावत जी को तो वैसे ही मशहूर है कि जहाँ चरण परे संतन के, अब ये पंजाब में भी क्या गुल खिला गया है वो सबको मालूम है, अब उत्तराखंड में भी गुल खिला रहे हैं। अपने को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के लिए वो लड़े जा रहे हैं और चाहे वो किशोर उपाध्याय जी से आज उनकी जंग हो या दूसरी रंजीत रावत जी से हो या प्रीतम सिंह जी से हो, तो कांग्रेस आपस में एकजुट नहीं है और इसी का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है और उठाना पड़ेगा लगातार। देखिए, कांग्रेस में तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई चल रही है, वहाँ तो सर फुटबल चल रहा है आपस में। कांग्रेस का तो कहीं कोई नामो निशानी नहीं है। कांग्रेस को पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जनता जो है कि रिजेक्ट कर चुकी है। इस समय आदरणीय मोदी जी जहाँ पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है कि आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व का डंका बज रहा है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। और 2022 में भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 अब की बार 60 के बार। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। लखमत बटोला कांग्रेस से, नवीन ठाकुर बीजेपी से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले लखपत जी, आपके पास अभी तो सरकार चुनाव ये सब दूर की बात है, लेकिन जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है और उसको ठीक नहीं किया तो दूसरों के लिए ज़्यादा ठीक हो जाएगा। हेलो लखपत जी। जी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। लखपत जी, जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है और अगर आगे ठीक नहीं हुआ तो फिर दूसरों के लिए ज्यादा ठीक हो जाएगा। जी बहुत अच्छा चल रहा है, हम लगातार पार्टी हमारी लगातार, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मान हरीश रावत जी, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी रुद्रप्रयाग में जा रखे हैं, हरीश रावत जी हरिद्वार के अंदर, तमाम हम परिवर्तन यात्रा का पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। सब जगह हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर लगे और इस जीरो वर्क सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना और इसके लिए यहाँ की जनता भी
तैयार है और हमारे सारे साथी लोग भी तैयार हैं। नवीन ठाकुर जी, किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के बीच जो चल रहा है, अगर इनके यहाँ ठीक नहीं हुआ तो आपके लिए ठीक हो जाएगा, संगीता जी के लिए ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस की कला से भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है, इनके परिवार का मामला है और कोई विशेष बात नहीं है कि हरीश रावत और किशोर के बीच जो है ये सिर्फ फुटबॉल चल रही है। ये तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। अगर हफ्ते 15 दिन में कहीं बैठकों में कुर्सियां ना टूटे, हर दूसरे दिन कोई बयान एक दूसरे को बढ़ा ना दे, तो फिर कैसे पता लगा कि कांग्रेस का नेता है? तो ये उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है, विकास के दम पे चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे किशोर जी नाराज हो, चाहे हरीश रावत जी नाराज हो, सब जानते हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई कांग्रेस में कितनी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि 37 सीटिंग विधायकों का टिकट फाइनल कर दिया है मैंने। शाम को ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत बात है, अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है, टिकट तय करने की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू होगी, वो सब उत्तराखंड की जनता ने देखा। तो कांग्रेस में बहुत बड़ी अंतरकला है, सिर्फ फुटबॉल है, एक के बाद एक कितने बयान, कितने जो है, मैं इनके किस्से सुनाऊं यहां पर। जिस दिन गणेश गोदियाल जी आए थे उस दिन भी आपने देखा, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने देखा कि किस प्रकार जो है सिर्फ फुटबॉल हुई, कुर्सियां टूटी और पुलिस को अंत में शांति व्यवस्था बनाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तो हमें कोई इनकी कला से कोई वो है नहीं, अपना एक पारिवारिक मामला है। जोश है ठाकुर जी, ये तो कार्यकर्ताओं का जोश है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अगर इस तरह से हो रहा है तो लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, तो जोश है, जबरदस्त जोश है और ऐसा जोश बना रहना चाहिए, जोश अच्छा है, ऐसा जोश बना रहना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो एक दूसरे के सिर फोड़ते रहे, कुर्सियां तोड़ते रहे, एक दूसरे नेता के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, ऐसा जोश बना रहना चाहिए। इनकी जो कला यात्रा शुरू हुई थी उसमें भी आपने देखा रंजीत रावत से लेकर किस तरह की जो है नारेबाजी वहां पर हुई। तो ठीक है, कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला, हमें ज्यादा वो नहीं, लेकिन आपने कहा कि हमारा फायदा हो जाएगा, तो हमें इनके लड़ाई से क्या फायदा होगा? हमारे अपना काम हमने किया है, 4.5-5% ने जो हमारी सरकारों ने काम किया उसके दम पर हम चुनाव में जाएंगे, हमें फायदा वो हो रहा है, जो विकास हमने किया उसका फायदा हो रहा है। लगातार जो उत्तराखंड के चुनावों में उत्तराखंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद समर्थन दे रही है, वो हमारे लिए फायदा है। हमें उत्तराखंड की जनता का हित देखना है, हमें उत्तराखंड का विकास देखना है, हमें उत्तराखंड के जो है युवाओं को देखना है, उत्तराखंड की महिला को देखना है, मातृशक्ति को देखना है। इनके द्वंद से, इनके झगड़े से हमें क्या लेना है? अब ये तो लगा रहता है, मैंने कहा हर हफ्ते आए दिन का काम है इनका, तो अब इस पे हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो जनता भी अब जो है स्वाभाविक रूप से इनके इस चाल लखपत जी को समझ चुकी है। लखपत जी, एक बार आपके पास आएंगे लखपत जी, लेकिन एक बार संगीता जी से इसका जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, आपको कितना फायदा हो रहा है? देखिए, कोई नया लगे रहते हैं और इसीलिए 2017 में जनता ने इन्हें हटा दिया था और इनके अंतर्गत अपने परिवार के वाद विवाद भी नहीं निपट रहे। सरकार में आकर के जनता का क्या विकास का सोच पाएंगे और क्या जनता का भला कर पाएंगे? और रही बात हरीश रावत जी की, तो उन्हें तो अपने आप अपने बयान लेकर के इस पेज लेने का वो हो गया कि भाई उल्टे सीधे बयानबाजी करो और कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाओ, वो अपनी राजनीति में लगे रहते हैं, कभी इस दिन की बात करते हैं और कभी किसी पर आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं, तो उनका तो ये एक तरह से बयानबाजी का सिस्टम उन्होंने अपने आप के लिए क्रिएट कर दिया है। तो कांग्रेस तो अंतर कलह में गिरी हुई है, लेकिन इस बार जनता जो है वो ये देखेगी कि कौन सी सरकार आकर के उत्तराखंड में विकास करेगी, क्योंकि इन दोनों सरकारों ने तो भ्रष्टाचार के रूप को अड्डा बनाया हुआ है उत्तराखंड को। तो यहाँ जो विकास 21 सालों में नहीं हो पाया, अब उत्तराखंड की जनता को ये सोचना है कि कौन सी सरकार 21 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो उत्तराखंड के लिए करे। तो किसे माफी छोड़िए आप, ये वहाँ केदारनाथ जाते हैं कि बड़ी आपदा आती है और हरीश रावत जी वहाँ केदारनाथ में उससे करते हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ से इतने लोगों की जान चली गई, आपदा में इतना नुकसान हो गया, ये सोचते हैं कि मुझे आशीर्वाद मिल गया मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा 2022 में और वहाँ पे नक्शे करना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस का तो साल चरित्र ही अलग है और इसीलिए सब जगह से इन्हें नकारा जा रहा है और जनता का विश्वास इन्हें टूट चुका है, क्योंकि इनके जो विधायक है वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता अब इनसे कैसे भरोसा करेगी? इनका तो कुछ भरोसे के लायक इन्होंने छोड़ा ही नहीं है जनता का। और विकास तो उत्तराखंड में हमने देखा ही है कि 2 बार इनकी सरकार बनी तो इन्होंने क्या विकास किया है, और वही बीजेपी का है, इन्होंने 2 बार सरकार बनी क्या विकास किया है, ये सबसे समाज का है। अब अगर आपने 5 साल अगर आपकी सरकार आ गई और इतना विकास कर दिया कि विकास की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो फिर अगली बार चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, सरकार आएगी तो
का विकास जो भी सरकार आती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस राज्य का विकास करे, उसको आगे की ओर नहीं लेके जाएगा कि पीछे की ओर। आज हम बेरोजगारी में देश में प्रथम नंबर पे हैं, तो ये हम विकास की ओर हैं क्या? हम पीछे की ओर जा रहे हैं। किसी भी पार्टी का काम ये है कि जब भी सत्ता में आए तो आगे की ओर जाए। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो तो पहले ये कहती है कि अगर हमने काम किया है तो दूसरी बार हमें लाना और कहाँ पे बहुत मत देना, क्योंकि हम विकास करने के लिए आना चाहते हैं, किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए आना नहीं चाहते। और जनता जब विकास देखेगी तो हमें लेके आएगी। किसी भी पार्टी में ये कहने का आज तक दम नहीं है कि वो ये कहते मैंने काम किया है। कांग्रेस और बीजेपी है, आप जाए अपने एजेंडे को लेके घर घर और ये कहें अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, 2022 में हमारी सरकार बनाना, और अगर काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ये कहने की इनकी हिम्मत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं है। जब काम किया है तब तो ये कहेंगे, हम ये कह के देख लें और उसके बाद 2022 का परिणाम देख लें कि क्या होगा। बिल्कुल लखपत बुटोला जी, पहले आप अपना पक्ष रख लीजिए, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए बहुत अच्छी नवीन जी ने बातें कही हैं। मैं एक्चुअल में एक बात चैनल वालों को कई बार कहता हूं, ये जो आप तीसरे व्यक्ति को बिठाते हैं, गलत व्यक्ति को आप चैनलों पर बिठाते हैं, और ये चैनलों पे इतनी बड़ी 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 बातें कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आकर के हरिद्वार में आएंगे, एक रैली करके चले जाएंगे, देहरादून में आएंगे, एक रैली करके चले जाएंगे, उत्तराखंड का अब औसव पता नहीं। मैं कहता हूँ दिल्ली का वर्ग क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, और मेरा बद्रीनाथ ही विधानसभा का क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमीटर 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ये तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलनात्मक बातें करना, ऐसी बातें, इनकी बातों पे कोई जवाब देना बेकार है। और जो व्यक्ति कहता हो कि हम उत्तराखंड को प्रत्येक घर में रोजगार देंगे, MIR की रिपोर्ट कहती है दिल्ली देश में तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा 27.3% बेरोजगारी की दर से आगे बढ़ रहा है। इसको छोड़ दीजिए, किस तरह से दिल्ली में आप जानते हैं कि बरसातों में फ्लाई ओवरों के नीचे से लेकर और मैदानों में लोग नावों को तैरा रहे थे, किस तरह से आपने देखा यमुना की क्या स्थिति है, वो सब छुपी हुई बात नहीं। इसमें मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, अपनी एनर्जी इसमें लॉस करना नहीं। हाँ ये जरूर है कि मैं भाजपा सत्ता में, सवाल भाजपा से है। मैं ये कहता, नवीन जी ने कहा कि हमारा क्या कांग्रेस से क्या लेना देना, बहुत अच्छा मान्यवर आपका, कांग्रेस से लेना देना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जनता ने दो तिहाई से बड़ा बहुमत इसलिए दिया था कि आप इस प्रदेश की सेवा करें। आपने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और मोदी जी ने कहा था उस समय कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम उत्तराखंड में विकास करें। लोगों को ये पता नहीं थी कि आपके विधायक विकास की जगह महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपके केस चलेंगे। जनता ने इसलिए आपको तिहाई दो तिहाई बहुमत नहीं दिया था कि आपके विधायक आपके कार्यकर्ताओं को रायपुर से लेकर और जिस तरह से पौड़ी से लेकर और उधम सिंह नगर से लेकर सारी जगह जिस तरह से कार्यकर्ता और विधायकों बीच टूटू में हो रही है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं। कलौ की आप बात करते, आपके विधायकों पे कर्णवाल और चैंपियन के बीच किस तरह की गाली गलौज हुई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, इससे छुपी हुई बात नहीं। लेकिन आप सत्ता में है, आपको विकास के लिए भेजा था, किस तरह की बदनीयती और गलत गाली उत्तराखंड के लोगों को आपके विधायक चैंपियन ने दिया, उससे कोई छुपी हुई बातें किसी से नहीं। आपके कैबिनेट मंत्री कह चुके हैं कि मेरा सबसे निराशाजनक कार्यकाल ये सरकार मेरा है। आपको इस सरकार में 57 का बहुमत होने के बावजूद 3-3 मुख्यमंत्री देने पड़ेंगे। यदि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते तो इस तरह से मुख्यमंत्री बदल नहीं पड़ते। आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो आपके कैबिनेट मंत्री और आपको विधायक को पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन नहीं करनी पड़ती, ये सारी चीजें छोड़ दी। हाँ ये कांग्रेस की, जहां तक आपने किशोर उपाध्याय जी की बात की है, उस चीज को लेकर मैं आपसे, कांग्रेस में पार्टी एक स्वतंत्र, कांग्रेस में लोकतंत्र है और पार्टी में सवाल पूछना कौन से वो है। किशोर उपाध्याय जी 2017 में चुनाव लड़े हमारे विकास नगर से, ये सहसपुर विधानसभा से, सहसपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़े। उन्होंने ये जरूर कहा कि मान्यवर आपने वहां पे यदि आप रैली करते हैं वहां पे मेरा बूथ सबसे मजबूत के लिए काम करना चाहते हैं, आप कांग्रेस संगठनात्मक रूप से काम करना चाहते तो मुझे भी उसे मुझे पता नहीं था तो मुझे बता देते, उसमें कहीं छुपी हुई बात नहीं। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ, मान्य किशोर उपाध्याय जी इन दिनों बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए थे, भगवान बद्र के दर्शन करके 18 तारीख को लौटे हैं, और ये सारी चीजें पार्टी के अंदर एक छोटी सी चीज है, पार्टी में आपस में बातें हो तो उसमें कहीं छुपी हुई बात थोड़ी है। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको जी। तो अब ये कांग्रेस पे मीन मेक निकालने के बजाय कांग्रेस पे इतनी सारी चीजें जो नवीन जी बोले, नवीन जी अच्छा होता कि आप कहते कि डबल इंजन की सरकार ने, तो
कांग्रेस ने 3.78% पे जो बेरोजगार दर थी उसको हम ला करके माइनस में, लेकिन आपने 24% पे ले गए। आप कहते हैं कि जो 17 सालों में उत्तराखंड के अंदर, 16 साल में उत्तराखंड के अंदर जो 43,000 करोड़ का कर्जा था उसको लाके हम 72,000 करोड़ पे ले गए, यही डबल इंजन की सरकार का बेरोजगार दर आप 24% पार करा गए, यही उत्तराखंड आपको डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल लखपत बटोला जी, नवीन ठाकुर से जवाब लेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है। उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए चलते नवीन ठाकुर के पास। नवीन जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं लखपत जी ने। देखिए चंद्रशेखर जी, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है, और इनके झूठे आरोप आप जनता ने समय समय इस प्रकार इनके विधायक की बदतमीजी के साथ, एक अत्याचार के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए आए, इस तरह की संस्कृति कांग्रेस की है पूरे विश्व ने देखा। यहाँ पर ये जो है हमारे विधायक बोल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो भवरू देवी कांड अभी भूली थी। इस देश की जनता किस प्रकार जो है आपके मंत्रियों ने उस अबला को तंदूर में जलाकर मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी, ये कांग्रेस की संस्कृति में कितने किस्से गिनाओ कांग्रेस के, जो यहाँ पर बैठ के दो चार बातें कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। तो भैया, इस देश लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतंत्र की जो है असली जनता जवाब देती है लोकतंत्र में। आपको लगातार जवाब मिल रहा है। आज हम जब सत्ता में आए थे 17 में, तभी से आपने आरोप लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन 2 वर्ष तक जो आप आरोप लगाते रहे, हुआ क्या? जनता ने आपको दिया अंडा, 5-0 का स्कोर रहा। आपके आरोप बेबुनियाद है। विकास का पहिया उत्तराखंड में, डबल इंजन की बात कर रहे हैं, 1,00,000 करोड़ के काम हो रहे हैं उत्तराखंड में। अगर आपको नहीं दिखते, मैं समझ सकता हूँ आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आपने चश्मा चढ़ा रखा है राजनीतिक मजबूरी का, लेकिन जनता को तो दिखता है, जनता तो समझती है। आप अगर चैनल पर बैठकर झूठ बोलेंगे, झूठ के जो है आंकड़े रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी खुद जब देहरादून से ऋषिकेश कार से जाते होंगे ना, तो ऑल वेदर रोड पे आप भी चलते होंगे, जहाँ पहले 12 घंटे लगते थे, 6 घंटे पहुंचते हैं। आप देहरादून से हरिद्वार जाते थे, 2 घंटे तक फंसे रहते थे, अब आप 45 मिनट में पहुंचते हैं। लेकिन आप अगर झूठ बोलेंगे तो जनता तो झूठ नहीं बोलेगी, वो जो हजारों लाखों लोग जा रहे हैं इन रस्तों पर, झूठ नहीं बोलेंगे। और 2024 तक जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन वहां पहुंच जाएगी, वो भी आप झूठ बोलेंगे, जनता को तो सब पता है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन योजना आपने तो कभी काम नहीं किया। किसानों की हित की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, आपको चंद्रशेखर जी मैं बताऊं, 2017 में जो किसानों के लिए
सरकार ने एक तो बजट इन्होंने 40 करोड़ का मात्र उसका भी 50% इसका कर्ज नहीं क्या देना है 50% और यहाँ बैठकर जब किसानों को बड़े बड़े भाषण देते हैं इससे तो नकार दिया हमने आप सोचिए 40 करोड़ नहीं हमने तो उसको बढ़ाया हमने उसकी 4.5% जो हमने उसको बढ़ाया और उसको हमने 490 करोड़ हमने उसको बजट 4 गुना बढ़ाया हमने 490 करोड़ जो हमने उसको बजट का प्रावधान किया किसानों के लिए और उसको 90 से 95% हम खर्च भी कर चुके हैं किसानों के लिए 9 करोड़ किसानों को जो है 9 लाख किसानों को उत्तराखंड में हमने कार्ड बना के दिए इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने कुछ नहीं किया अभी हमने जो प्रधानमंत्री पेंशन योजना है उसमें भी 3000 किसानों को जो पात्र किसान है उनका चयन कर लिया है उनके कार्ड बन गए उनको 60 आयु वर्ष के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि आप देख लीजिए जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से करीबन 8.5 लाख किसानों को सीधे जो है उनके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं इनके तो वही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूँ नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं तो 85 पैसे तो इनके लोग खा जाते थे इनके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था आज तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए पहुंच रहे खातों में वो सारा भ्रष्टाचार हमने बंद किया इस देश के प्रधानमंत्री ने 12 करोड़ जो है शौचालय बना के इज्जत घर बना के महिलाओं को दिए ये कांग्रेस कहां थी इस देश के प्रधानमंत्री ने 40 करोड़ 60 लाख हमने जनधन खाते खोले तो आप सोचिए इतनी बड़ी आबादी को इन कांग्रेसियों ने विकास से दूर रखा था ये विकास की बात करते हैं कांग्रेस के शासन काल में केवल 16 करोड़ सिलेंडर थे हमने 8.5 करोड़ सिलेंडर उज्ज्वल योजना के अंतर्गत निःशुल्क बांटे उन महिलाओं के धुओं से जो है हमने निजात दिलाई बीमारियों से निजात दिलाई इनके शासन काल में 3 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग रोज बनते थे किलोमीटर ये लोग जो है केवल और केवल झूठ का पुलिंदा जनता को पहुंचते हैं परोसते हैं और उसका नतीजा इनके सामने है जनता ने नकार दिया ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां जनता ने इनको नहीं नकारा आप चंद्रशेखर जी देख लीजिए जनता जो है इनको 17 से लेके और 21 तक लगातार नकार रही है लखपत जी आपके पास आएंगे लखपत जी आपके पास आएंगे लेकिन देखिए बारी बारी से 30 सेकंड जी आपने कहा जनखन खाते खोल दिए आज का अखबार पढ़ा आपने कि वो जनखन खाते से भारत सरकार को बैंकों को 1,67,000 करोड़ रुपया मिला है और खाते सारे के सारे बंद हो रहे हैं आपको पता है कि 3,000 रुपया कम रखने पर बैंक में चश्मा उतार लिया है उन्होंने आप चश्मे की बात कर रहे थे चश्मा उतार लिया उन्होंने आपके हमले से नहीं चश्मा आप कह रहे चश्मा लगा रखा है चश्मा उतार लिया उन्होंने आप सच्चाई देख रहे हैं जवाब दे रही है लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के निर्णय को मानना चाहिए ये जनता के निर्णय को भी स्वीकार नहीं करते जनता के निर्णय को भी नहीं समझते उसको जो है सहज स्वीकार करना चाहिए बड़ा हृदय रखना चाहिए अब किसान बिल पे देख लिया तो वह कांग्रेस ने प्रचार किया क्योंकि हाथ से मुद्दा निकल गया ये तो बड़े सपने सजोए बैठे थे कि किसानों को भड़का रखा है सड़कों पे ले आएंगे अभी ये कर देंगे चुनाव में अभी वो कर देंगे चुनाव में लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा हृदय दिखाते हुए और बहुत विनम्रता से कहा कि अगर कुछ किसान जिनको हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए नहीं समझा पाए चाहते हैं कि किसान बिल वापिस हो तो हमने वो है जिससे वापिस ले लिया नवीन जी नवीन जी नवीन जी जवाब तो ले लीजिए नवीन जी हालांकि मैं संगीता शर्मा जी के पास आना चाह रहा था जो लखपत जी ने कहा है लेकिन मैं जवाब ले लेता हूँ पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री कितने यशस्वी हैं सुन लो कितना काम कर रहे हैं हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे आए हैं ये यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यकाल है हिंदुस्तान पे झूठे आंकड़े लेके
पांच विश्व के पांच शक्तिशाली राष्ट्रों ने उन्हें पुरस्कृत किया है। ये कहां के झूठे आंकड़े लाते हो लखपत बटोला जी? जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका जाते थे ना, तो एक हफ्ता लगता था समय लेने के लिए, एक हफ्ता आपको ध्यान नहीं होगा। और अभी बराक ओबामा ने आपके राहुल गांधी के बारे में अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा था बराक ओबामा राहुल गांधी के बारे में? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गया था तो छप्पन इंच हुआ बराक ओबामा एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ा। प्रधानमंत्री को लेने कौन से अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री को लेने कोई नहीं आया, क्योंकि दंगम था ही नहीं बोलने वाला प्रधानमंत्री। अब देश ने देखा है आज भारत विश्व में किस प्रकार शान के साथ जो आगे बढ़ रहा है, और भारत किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रहा है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। अरे आपके पास, आपके पास बोलने के लिए क्या है? आपके पास तो श्री 1008 और एंटीना माधव के पुत्र और जो जनेऊधारी हैं, फर्जी जनेऊधारी बुलाइए, उनकी उपलब्धि कोई नहीं, उनकी उपलब्धि में नहीं बोल सकते। आप देश के प्रधानमंत्री में सवाल उठाते हैं, राहुल बाबा के बारे में भी बोलिए ना, उनकी कुछ उपलब्धि गिना दीजिए। या आपके जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सोने गांधी, उनकी कोई उपलब्धि गिरा दीजिए, उनका जो आय का स्रोत बता दीजिए। आज जो सबसे अमीर जो महिला बनी हुई है वो उससे बता दीजिए कहाँ से आए, और 1000 करोड़ का नेशनल हराल घोटाले में जमानत पर चल रही है मैडम, उस पर नहीं आप बोलेंगे, उस पर भी दोषण बोल दीजिए ना। लेकिन आप ना बोले, इस देश का मीडिया बोलता है, क्योंकि आज भाजपा का राज है, मीडिया को जो है सारी आजादी है। 1975 की तरह गला नहीं घोटा गया मीडिया का, 1975 का काला अध्याय आप जो यहाँ जिक्र करते हैं ना बहुत बार, 1975 की तरह मीडिया का गला नहीं घोटा गया। गला आज मीडिया सब दिखा रहा है, सब सच का दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। 1000 करोड़ का जो नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, आपकी प्राइवेट लिमिटेड परिवार की जो है मालिक है वो जमानत पर है, आपके जो है पीछे 3 महीने जेल की हवा खाकर आए हैं। और वो भी बता दीजिए, वो जो गमलों में जो गोभियां उगाते थे ना, वो जो 3-3 करोड़ की गोभियां उगाई, वो फॉर्मूला थोड़ा हमारे किसानों को बताइए ना, वो क्यों नहीं बताते आप पी चंद्रन जी से पूछ के? वो थोड़ा बता देंगे तो कम से कम मेरे देश का किसान जो है और खुशहाल हो जाएगा। आपने तो किसानों के लिए कुछ किया नहीं। आपको उत्तराखंड की बात करते हैं, मैंने गिना दिया आपको, 139 करोड़ का बजट रखा था आपने किसानों के लिए, कितना खर्च किया आपने? 75 करोड़ खर्च नहीं कर पाए आप, 67 करोड़ रुपए आपने खर्च किया 50% से कम, और हमने 4 गुना बढ़ाया उसको, 490 करोड़ हमने किया, और पूरा का पूरा हमने जो है किसानों के हित के लिए, किसानों के जो है विकास के लिए, उनकी मशीनरी के लिए, उनके जो है निशुल्क ऋण देने के लिए, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए। आपके पास तो गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास गिनाने के लिए कुछ होता, काम किया होता, तो जनता जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सलाखों पर बिठाए हुए है आपको बिठाती, ना कि 11 में समेट देती, चलो 17 में समेट दिया, उसके बाद आप लगातार ये झूठे आरोप, ये झूठी बातें करते आए। लेकिन आज क्या, आज जो है फिर नवीन जी सुन लीजिए आप, नवीन जी थोड़ा अब लखपत जी से एक बार जवाब ले लीजिए। आपने तो रेल चला दी, चश्मा उन्होंने उतार लिया, और वो आप बोलो, मैं बताता हूँ मेरे प्रधानमंत्री कितने यशस्वी है, मैं बताता हूँ आपको कितने यशस्वी है, इस बात को सुनिए। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आपने भिखमंगा बना दिया, ये आत्मनिर्भर स्टैंड और स्टार्टअप के अंदर 95% चाइना का इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं क्यों हो गया। आप जवाब नेशनल हेराल्ड क्या है बता सकते हैं? नेशनल हेराल्ड है क्या? नहीं बता सकते। आपने जो है प्राइवेट लिमिटेड पहले पढ़े नेशनल हेराल्ड के बारे में है क्या, नहीं तो गर्व होगा आपको। लेकिन तुम कल देखो तो माफी मांगने वाले ठहरे, भाषा का हत्या करने वाले ठहरे, तुम क्या जानोगे? जनता को नहीं मानते थे, वंदे भारत जनमन जन को नहीं मानते थे, राष्ट्रभक्ति की बात बताएंगे? नेशनल हेराल्ड का नाम सुना, लखपत जी नेशनल हेराल्ड है क्या कभी? लखपत जी, लखपत जी, लखपत जी, लखपत जी, लखपत जी, उसके नाम की फिर उस अखबार की संपत्ति से जो है खुद के निजी खातों में पैसे चले गए। ये है नेशनल हेराल्ड घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट को मत सुनिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को मत साबित करिए, लखपत घोटाला है। ये 56 दिन की सरकार क्या करे, ये 56 दिन सरकार क्या करे, ठक मारे? अगर घोटाला 8 साल से केंद्र में क्या करे तो ठक मारो,
केंद्र के अंदर पहले से पैसा लहरा क्या है? पैसा लहरा के जवाब अरे जान से पैसा लहरा क्या है? अरे नवीन जी मैंने पूछा सवाल मैं तो लहरा क्या है? इनसे पूछा पैसा लहरा क्या है? अभी तक व्हाट्सएप पे बोला ने तो सपने बन गए हो गया अरे छोड़ो के घोटाले कर दिए आपकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी चिंता ना करो प्राइवेट लिमिटेड कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना और मैं उसकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी उन्होंने घोटाले करके पाई-पाई जनता की पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा देश में चौकी ईमानदार चौकीदार पाई-पाई का हिसाब लेगा भेजेगा चिंता ना करो पता है स्टैंड अप स्टार्टअप में कितना परसेंट चाइना का इन्वेस्टमेंट है 95% है ये आत्मनिर्भर भारत सेल्फ लैंड भारत की बात चाइना का इन्वेस्टमेंट होगा चाइना हिंदुस्तान में बस्तियां बनाएगा कॉलोनियां बनाएगा और सवाल नेशनल हेराल्ड की उठाएगी नेशनल हेराल्ड के बारे में पढ़ के आए नवीन जी और गर्व करेंगे आप राष्ट्रीय धरोहर नहीं नेशनल हेराल्ड के बारे में सारा पता है राष्ट्र है नहीं बनाया उसका उसके बाद निजी अखबार आपने तो बना दिया कांग्रेस का अखबार था आपकी नहीं भाई स्टोरी जो है आपने आपकी बातों में सोनिया गांधी के खाते में गई उसकी संपत्ति राहुल गांधी के खाते में गई है प्रियंका गांधी के खाते में गई है राहुल गांधी के लखपत बटोला जी और आज कैसे कोर्ट में ऐसी जमानत पर नहीं है आप देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए कोर्ट में जमानत पर चल रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड कंपनी के सारे जमानत पर है नवीन जी लखपत जी 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया 565 रियासतों लखपत जी जिस हिंदुस्तान लखपत जी अगर आप 565 रियासतों को मिला याद रखिए 565 रियासतें लखपत जी समझ गए आप लखपत जी लखपत जी सरकार थी जब वो टुच्छ सरकार पे कहिए कि क्या काम है मैं खुद सुन लीजिए इतिहास मत जाए मैं इसलिए कह रहा हूँ सरकार थी जब अक्साय चीन चीन ने कब्जाया तो कांग्रेस की सरकार थी शर्म करो आप लोग हम तो 99 में जब कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ की तो हमने कूट के भगाया उसको 550 केंद्र ने क्या किया आप इतिहास में जाने का जो शौक है आपको इतिहास में जाएंगे भद्म में दाग लग जाएंगे जो कि तुम्हारा इतिहास भद्म में है और दाग डाल रहे इतिहास तुम लोगों का इसलिए उस इतिहास में मत जाइए उस इतिहास में जाओगे तो दलदल में फंस जाओगे लखपत जी नवीन जी हम बात लखपत जी देखिए लखपत जी नवीन जी देखिए आपने अपनी बातें रख ली बदनुमा है तुम्हारा इतिहास दाग दार है तुम्हारा इतिहास इसको याद रखिए और देश को बनाने के लिए देश से आप भाषण न दे तो अच्छा मैं हमने ये जरूर कहा जहाँ भी भेज का टॉपिक है उसके कांग्रेस के और उस टॉपिक पे बात करेंगे तो आप वर्तमान में क्या क्या आप उस पर जवाब मैं पूछना चाहूंगी विधायक क्यों तुम्हारे भाग रहे लड़कियों के बलात्कार के मामले में क्यों जवाब जवाब उनको उनका डीएनए टेस्ट नहीं कराया जा रहा क्यों टेस्ट नहीं कराया जाए डीएनए 5 साल हो गए क्यों टेस्ट नहीं कर रहे उनका अरे तुम्हारे ऑफिस तुम्हारे तुम्हारे जो संगठन मंत्री है उनके तो 45 सालों तक है कांग्रेस आरोप लगा दी है कांग्रेस ने आरोप लगाया कर्मकांड बोलने को काला हो गया कांग्रेस ने कहा देवस्थाना बोलने को काला हो गया कांग्रेस ने कहा हरिद्वार कुंभ में घोटाला हो गया कांग्रेस ने किया हरिद्वार घोटाला कांग्रेस ने कहा आपने 72,000 करोड़ में प्रदेश ने कहा कांग्रेस ने कहा घोटाला किया जो नवीन जी लखपत जी हम बात कर रहे हैं आपने तमाम तरह के आरोप लगा लिए संगीता शर्मा लखपत जी नवीन जी आप और आप में आम डालकर विराट बात करते हैं चाइना की हिम्मत नहीं है जो वो हमारी सीमा में एक इंच घुस पाए उसने कवलन में घुसने की कोशिश की हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया 20 सैनिक शहीद हुए लेकिन चाइना के 50 सैनिक जो है वहां पे शहीद हुए
चाइना के सैनिकों के हमारे देश के 22 जवान शहीद हुए, क्या जवाब दिए? चाइना ने 50 बस्ती बता दी, प्रधानमंत्री ने एक बार चाइना का नाम लिया 95% इन्वेस्टमेंट चाइना का जो है घंटा खर्चा लखपत जी। नवीन जी ऐसे डिबेट नहीं होती है, आप लगातार बोल रहे हैं। चाइना चाइना की बात करते हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं होती है सवाल। और आप लड़ रहे हैं बीजेपी से, पहले देखिए कि लड़ाई चल का रही है। यथार्थ पे बात करेंगे, ये मोदी माय होने के बाद राष्ट्र माय हो रही है, सरकार है पहले मोदी पहले हिंदुस्तान है। सुन लीजिए, हिंदुस्तान पहले, हिंदुस्तान की बात कीजिए और उस पर सवाल मुझे बता दीजिए कौन जवाब दे। आप बहुत आ रहे थे उत्तराखंड पे, मैं पूछता आईएसपी किसे कहूँ, आप सुन लीजिए। कांग्रेस की नाकामियों की वजह से, कांग्रेस के नकारा प्रधानमंत्री की वजह से और कांग्रेस के चार प्रधानमंत्रियों की वजह से हम 1962 के युद्ध हारे। नेहरू के आपने नेहरू नेहरू के आपने फोटो देखे, फोटो मिले उनके, कभी देखा देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है देश की यात्रा कर रहा है, देश को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। आपके प्रधानमंत्रियों की तरह नकारा नहीं रहा, हमारी जिन्होंने जो माफी मांगी हो, महात्मा गांधी की हत्या की हो, वो लोग समझाएंगे आप देश क्या। देश को 500 रियासतों बना के कांग्रेस ने बनाया, देश के लिए अपने आजादी में अपना खून पसीना किया, उस इतिहास में मत जाए, उन बातों में मत जाए। कितनी बार सावरकर ने माफी मांगी, 13 बार ने देश की आजादी के लिए क्या योगदान दिया अपना, उसको पढ़ के आई। उस नेशनल हेराल्ड की वजह से कितना देश में एक लोगों के अंदर देश आजादी का जुनून जगा था, उस पर पढ़ के आई। ये जो चीजें आप कहते हैं और जिस तरह की लफाजी करते हैं उससे देश नहीं चलता है। मैं जरूर पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछना, हम विपक्ष में भी है एक जनता के नाते भी, यदि आपसे वर्तमान के सवाल पूछे जाए तो आप इतिहास में चले जाते, इसलिए मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता था। वर्तमान बात पे आप सवाल, मैं सवाल करता हूँ तो आप जवाब दीजिए, आप उल्टा मत कहिए। कांग्रेस ने यदि काम 140 साल पुरानी पार्टी है, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, देश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया, इससे पहले केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, आप निश्चित रूप से दोबारा सत्ता में आए हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जनता जितना जनादेश देती है तो गिरा भी सकती है, आपको 17 में जनादेश दिया, उस 17 के जनादेश में जो आपसे सवाल पूछे जा रहे जिन चीजों को लोकायुक्त को आपने कहा था 100 दिन में हम भेज बना देंगे, प्रवर समिति को भेजा, लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया आपने, इसमें तो जनता पूछेगी ना। आपने कहा था उत्तराखंड को नंबर एक स्टेट बनाएंगे, जिस प्रदेश में जाते प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कहते नंबर वन स्टेट बना देंगे, इतना काम क्या होता तो जेपी जो नड्डा जी आते वो अपने स्टेट में चार चुनाव नहीं हारते। जनादेश का आंकलन से 22 में आपका आंकलन होगा जनादेश का, यदि आपने काम किया है तो 22 की जनता आपको जनादेश देती नहीं देती, उस पर आप सवाल कीजिए। आपसे मैं 2016 से और 22 तक के सवाल पूछ रहा हूँ, इतिहास में मत जाए और उन सवालों पे आप जवाब दीजिए कि हमारी सरकार ने ये काम किए, उन पे आप अपनी बात बताने का काम कीजिए। आप ये यहाँ की लफाजी वहाँ की बात करने के बजाय जिस बात पे काम पूछा जाए तो उससे जवाब, हमें आपसे चाह रहा हूँ आप प्रदेश की सुन लीजिए। राज्य सरकार आगे क्या इतिहास उठाने से आप डर रहे, किसके ब्याह पे होना चाहिए, भाजपा का इतिहास देखिए, गढ़वाल के नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपने अपनी जान की शहादत दी, आपके नेताओं की तरह नहीं, गांधी परिवार का एक व्यक्ति देश की आजादी में योगदान रहा कोई है, गांधी परिवार का एक व्यक्ति उससे आप सवाल पूछेंगे ना, उससे आप जवाब दीजिए। ये पूछा जाएगा महंगाई क्यों है। लखपत जी नवीन जी देखिए आपने बोल लिया, अब सुन लीजिए लखपत जी आप सवाल नहीं सुनेंगे ऐसे नहीं चलेगा, तो आपको आप सवाल सुन लीजिए, आपने बोल लिया सवाल सुन लीजिए, बोल लीजिए जी लखपत जी ये बताएं, ये जो किशोर उपाध्याय और हरीश रावत में जो चल रहा है ये टिकट शेयरिंग की बात है
या कहीं आगे अगर ज्यादा सीटें जीतते हैं तो प्रतिनिधित्व को लेकर ये लड़ाई है, लड़ाई क्यों है? आप और मतदाता, आप जब बात करते हैं ना, तमाम तरह के मुद्दे लाते हैं, तो ये मतदाता को भी 3-4 हज़ार किताबें खरीदनी पड़ेंगी कि वो कौन सा क्या हुआ था, 150 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, उसको क्या लेना था ना बेचारे को, उसको 2 टाइम की रोटी चाहिए, सरकारों की जिम्मेदारी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। बात कही है, सुन लीजिए। हाँ। अब मुद्दे पे बात है, मैंने इसलिए सारी चीजें कही है नवीन जी को, मैंने इसलिए कहा कि इतिहास में मत जाइए, और इतिहास हमें भी आता है। पहली बात आप, मैं आपको कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने आपको जनादेश दिया था, और आपने सवाल पूछा है कि कांग्रेस में राहत पे उन्होंने कहा था कांग्रेस के राहत से मुझे क्या लेना देना, वो मैं उस पर कह रहा था। मुझे जो अब आपने कहा कि किशोर उपाध्याय जी ने हरीश रावत जी को लिखा है कि मैं 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था सहसपुर से, और मुझे वो बातें देखो पाल जी के अपने, मैंने कहा लोकतंत्र अपनी बातें रखने में कोई हर्ज नहीं, और इसमें कहीं कोई कलह की बात कहां से आपको लगती कलह है? इस तरह का संवाद होना, बातें होना, एक दूसरे से आदान प्रदान, चिट्ठी का आदान प्रदान करना, संवाद करना, बातें करना, कहां उसमें गुरेज है? उसे जनता को क्या नुकसान है? उसे उत्तराखंड का विकास थोड़ी रुकता है, उसे उकास धन के रोजी रोजी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार थोड़ी रुकता है। मैं ये कह सकता, सुन लीजिए, कांग्रेस में किसी मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता एकजुट है, एक साथ है, और 22 में सत्ता में लाने के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए तन मन धन से खड़ा है। उसमें कहीं किसी तरह का न कलह है, न आप ये सोच, न हमारे मनभेद है, न मतभेद है, कांग्रेस एक है, जमीन बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर टॉप के हमारे जो राज्य का जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ खड़े हैं। माने हरीश रावत, हमने देखो 5 महीने पहले टोटल 11 कमेटियों का गठन कर दिया, हरीश रावत जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, नेता प्रतिपक्ष को दी गई, सारे शीर्ष नेतृत्व को दिया, किशोर उपाध्याय जी को भी दिया गया, और सब अपने स्तर पे लगे हुए हैं। उसमें कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सारे लोग युद्ध स्तर पर लगे। आप मैं आपको चिंता है कांग्रेस की, आपको लगता है कांग्रेस के जो कमियां हैं उसको दूर करके कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए, सरकार बाहर होनी चाहिए। सुन लीजिए लखपत जी, लखपत जी सुन लीजिए, लखपत जी सुन लीजिए, आप चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी लड़ाई होती है, अगर आपके यहाँ 4 गुट है तो उसका फर्क जनता पर पड़ता है। हमें कोई नहीं है, हमारा एक सिंबल है हाथ, और जो आपको दिख रहा है ये हम एक और ये मुट्ठी बन के हम खड़े हैं। मैं आपको और आप अच्छी तरह जानते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं, ही है, और सब में एक ही रंग कांग्रेस का रक्त है। कांग्रेस की विचारधारा है आप, और ये सारे के सारा जो जी आप सुनना ही नहीं चाहते, जो प्रभाव है कांग्रेस की सुनना ही नहीं चाहते, ये लोकतंत्र के नहीं सुनते। लखपत जी आपकी और आपकी कांग्रेस का वो हाल है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते ना, वैसे आंखें बंद करके बैठे हैं आप, तो बैठे नहीं भैया। आपको क्यों लग रहा है? आप बताएं कहां पे जिसमें गुड़बाजी है? लखपत जी एक बात बताइए, जब आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन मिला तो वो गलत था, तो आम आदमी पार्टी तो सब कुछ ही मुफ्त में दे रही है। हरीश रावत जी खुद कह रहे हैं मैं मुफ्त में ये दूंगा, मैं मुफ्त में बिजली दूंगा, वो सब गलत है। मैंने ये कहा है मैंने कहा देश के विकास के लिए मेरे प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में बड़े बहुमत के साथ आए, आपके सारे हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट है अर्थतंत्र की उसके हिसाब से 27 करोड़ गरीब के लेगा कितने थे, आज वही 57 करोड़ के ऊपर चले गए। बेहतर काम होते तो 12-15 करोड़ रुपया देने गरीबी के रेखा के नीचे, लोग मिडिल वर्ग में आते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करूँ, इनकम टैक्स पेयर हिंदुस्तान में 7.5 करोड़ लोग थे, वो घट के 6 करोड़ आ गए हैं, उनकी टैक्स पेयरिंग क्षमता बढ़ के 10-15 करोड़ होती तो निश्चित रूप से कहता मैं विकास हुआ। हंगर इंडेक्स में 42वें नंबर पे थे, उसको घटा के 10-12 नंबर पे आते, हम कहते विकास। अरे सर आप सर देखिए आंकड़ा पढ़िए, 94वें नंबर पे थे, 2014 में कितने पे थे पिछली बात की बात कीजिए, 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मान जी, 2014 पहले 14 का आंकड़ा देखिए, नवीन ठाकुर जी 2014 में क्या हुई, 3.5 करोड़ के गरीब लोग टैक्स पेयर थे, आज 7 करोड़ पहुंच गए, दुगने का टैक्स पेयर, क्योंकि कांग्रेस इनको जो लूटने का दूसरा काम करती थी, 71 राज था, 2014 महाकार था, भ्रष्टाचार था, चोरी थी, चकारी थी। मैं सवाल ये निजात मिली देश की जनता को, हमने जो है लगातार देश के विकास के लिए काम किया, कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार के लिए काम नहीं किया, कांग्रेस के लोग तो भ्रष्टाचार के लिए काम करने वाले लोग, हमारे लोग विकास के लिए काम करने वाले लोग। सुन लीजिए, इसलिए आप प्रधानमंत्री की तारीफ करने के बजाय आंकड़ों पे जवाब दीजिए।
आगरा में जवाब दे रहे हो ना, उन्होंने विकास के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ तो दुनिया कर रही है लगभग की, आप आंखें बंद कर लेंगे अगर आप देश के प्रधानमंत्री के देश की जनता आपको कहां माफ करेगी। आपके कहने से क्या होगा, आपके राहुल बाबा ने एक बार देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार को चोर कहा था, इस देश के प्रत्येक नागरिक ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ, और आपको जो है 44 समेत के रख दिया चौकीदारी तो है। आप देखिए आपके हाथों देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देकर उन्हीं चाटुकारों की उन्हीं की पूछ जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, देश के प्रधानमंत्री को जितनी ज्यादा गालियां देगा इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा एंटेना मानिनो इनको उतना बड़ा प्रोत्साहन देगी। यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें तो परिपाटी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दो, खुद की हैसियत जो है वार्ड मेंबर का चुनाव जीतने के लिए और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नवीन जी देखिए, नवीन जी देखिए बात ये नहीं है, देखिए लखपत जी, लखपत जी देखिए सामान बात ये भी है, बात ये भी है क्या, बेल भेज दिया, सेल भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया, ONGC भेज दिया, सर्वे ऑफ इंडिया भेज दिया, नहीं बेच दिया, लेकिन सुनिए सुनिए लखपत जी, फ्रांस ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है राफेल ने, आपके राष्ट्रपति ने राफेल पे, अरे भूल गए, शर्म आने चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगी। नवीन जी लखपत जी आपको रोकना चाहेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ओ की गल जी, अंदर बच्चे नु पैदल ही ले चले स्कूल, यार साइकिल पंचर हो गया, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ, ਆ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ DC। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਓ ਨਾ ਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੂਗੜ੍ਹ ਤੇ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ। ਓ ਨਾ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੂਕਣ ਆਪਣਾ ਤੇਲ। ਓ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਮੇ ਥੱਲੇ ਮਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ। जनता दा बोझ घटावांगे, मिलके सरकार चलावांगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलते हैं लखपत बुटोला के पास। लखपत बुटोला जी, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ मुफ्त में हो रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी तो सब कुछ मुफ्त में दे रही है, फिर उसको कहां रखें? देखिए देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड में 23 लाख परिवार है, मैंने माना कि एक तिहाई परिवार रोजगार है, तो 14 लाख के लगभग 15 लाख लोग अगर क्या कहते हैं बेरोजगार है, परिवार में सरकारी नौकरी वाले नहीं है, लगभग एक तिहाई लोग रोजगार पे। उस हिसाब से अगर आप 5,000 ये भत्ता कह रहे हैं, 5,000 को मल्टीप्लाई करो, 7 अरब रुपया, 7.5 अरब रुपया होता है।
उत्तराखंड का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2,77,000 करोड़ रुपया है, तो इनको झूठ बोले फेंकने में क्या जा रहा है, कहां 2,77,000 करोड़ रुपया राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है और कहां 7,500 रुपए की बात है। ये दिल्ली में मैं आपसे कह सकता हूँ, दिल्ली इतनी छोटी है, दिल्ली कोई दिल्ली अच्छी बात हम कहते, दिल्ली छोटी 1400 मैं बार बार क्यों कहता हूँ 1484 वर्ग किलोमीटर में रेड है उसका 14 किलोमीटर के आसपास दिल्ली का, और इतना तो हमारे यहाँ में एक वार्ड का होता है, जिला पंचायत का चुनाव के लिए ही कम से कम 20-25-30-40 ये नवीन जी खुद चुनाव लड़ते हैं जिला पंचायतों में, रेड पंचायत कम से कम एक जिला पंचायत हमारी 50-60-70 किलोमीटर हो जाती तो ये दिल्ली की बातें कह करके मुक्तबाजी की बातें कहना मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। हाँ ये जरूर है कि वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में बहुत चीजों पे सब्सिडी दी जाती थी, पहले केरोसिन पे दी जाती थी, चीनी पे दी जाती थी, बहुत सारी चीज डीजल पेट्रोल पे दी जाती थी, वेलफेयर स्टेट में दिया जाता जनता को, उसके हाल पे नहीं छोड़ा जाता जो प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की बात कहने में यहाँ पे देर दो ना के पीसी कर दो, हरिद्वार में पीसी कर दो, हल्द्वानी ये उत्तराखंड का बेसिक जो मिजाज है वो 7 जिलों को लेके था, और वो 7 जिलों में अभी तक केजरीवाल जी गए नहीं, पहली बात है। उनसे मैं इसलिए बहुत सारी बात नहीं करता, उनकी जवाबदेही दिल्ली के जनता के प्रति है और दिल्ली की जनता में पुनः कह रहा है, सीएमआर की रिपोर्ट आई थी दिल्ली में 27.9% की दर से बेरोजगार दर बढ़े, तीसरे नंबर पे देश में दिल्ली है, तो इन चीजों पे मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ ये जरूर मैं भाजपा से इसलिए कहता हूँ कि भाजपा सत्ता में बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड की जनता ने उनको बहुमत दिया था, सारी चीजें दी, और आज उत्तराखंड जो बदहाली की ओर गया है, हिमालय राज्यों में हम सबसे पिछड़े राज्य हैं, जो 11 स्टेट हिमालय राज्य के हैं उन पे भी हम पिछड़े, देश की स्थिति में तो छोड़ दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्थितियाँ क्यों उत्तराखंड के बने, अच्छा सर, यहाँ पे जो यहाँ के रहन सहन खान पान कला भाषा बोली संस्कृति यहाँ के गीत संस्कृत कोदा झुमरा मंडवा जो सारी चीजें हैं उन चीजों पे काम नहीं हुआ। ये सरकार निश्चित रूप से इस समय इलेक्शन मूड में आकर के कई घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं, और घोषणाएं इतनी बड़ी की जा रही है कि जितना हमारा बजट नहीं उससे 10 गुना ज्यादा घोषणाएं की गई। एक उदाहरण मैं कह सकता हूं कि यहां पे अभी एक महीना पहले कुछ एक महीना पूरा नहीं आपदा आई और उसके अंदर आप जानोगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7,500 करोड़ रुपए का हमें केंद्र से मदद चाहिए, लेकिन अमित शाह जी आए उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी, हमने मदद पहले कर दी थी, और ये प्रधानमंत्री जी आए एक रुपया उत्तराखंड को नहीं दिया गया, मोदी जी आए अमित शाह जी आए किसी तरह की मदद आपदा में नहीं दी, मुख्यमंत्री जी को मन मार के रहना पड़ा क्योंकि हमारे सीमित रिसोर्सेज हैं। जी लखपत जी देखिए जनता के मन में सब रहता है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, सवाल बहुत गहरे होते हैं जिनका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल होता है। जनरल कमर बाजवा को हरीश रावत बड़ा भाई कह देते हैं और सैनिक बहुल प्रदेश है और फिर आप उम्मीद करते हैं तमाम चीजों की, क्या जनता को ठेस नहीं लगती होगी? इनके प्रदेश सिद्धू जो राहुल गांधी के बहुत करीबी है, मैं पूछता हूँ कैप्टन अमरिंदर जैसे देशभक्त को निकाल दिया, वो सिद्धू इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं, कहते कि मुझसे उनका विशेष स्नेह है, तो उस इमरान खान के विषय में आतंकवादी हमारे देश के नौजवानों को जो है हमारे देश के सैनिकों को आतंक करते हैं, तो कांग्रेस उस पर जवाब दे, उससे कांग्रेस नहीं बोलेगी। नवीन जी मेरा सवाल हो जाने दीजिए, लेकिन लखपत जी सुन लीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए जवाब दीजिएगा, लेकिन कमर बाजवा बड़ा भाई है उनका हरीश रावत जी का, लेकिन जी। किशोर उपाध्याय अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये गलत नहीं है जी। अब आप जवाब दे दीजिए। हेलो जी, मैं पहली बात कह दूं, ये ऐसा ही राष्ट्र प्रेम है कि जब मोदी जी जा करके नवाज शरीफ जी की माँ के चरण छू देते हैं, अरे सर किशोर उपाध्याय मेरे माता तुल्य, तब राष्ट्र प्रेम बहुत अच्छा हो जाता है। और सर किशोर उपाध्याय के हक की बात हो रही है, लेकिन मिलने के लिए गए इनकी तरह गले नहीं लगाया, तारीखों को पुल नहीं मांगे, पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया जैसे कांग्रेस के नेता रखते हैं, अब ये राहुल गांधी ने जो पाकिस्तान का पक्ष रखा, राहुल गांधी ने रखा, आप खुर्शीद ने रखा, पाकिस्तान के नेता ने कोर्ट किया, सबसे खतरनाक था देश के विरुद्ध खड़े होने वाले कांग्रेस, कांग्रेस के मित्र हैं, और जो सरकार
सरकार ने आदर सोसाइटी बनाई थी, कांग्रेस के नेता खा गए, कांग्रेस ने लखपत जी सवाल ये है कि किशोर उपाध्याय को हक नहीं मिल पा रहा कांग्रेस में, लेकिन कर्नल जनरल कमर बाजवा बड़ा भाई हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल बन जाता है, फिर पूछना पड़ता है आपसे। कौन कह रहा, सुन लीजिए, कौन कह रहा है किशोर उपाध्याय जी को हक नहीं मिला? प्रदेश अध्यक्ष हैं कि मंत्री, 35 सीटों की लड़ाई है कि टिकट मिलने की लड़ाई है, कौन कह रहा हक नहीं मिला? पहली बात है। दूसरी बात, किशोर उपाध्याय को फांसी पर डाल दिया इन लोगों ने, जिसने देश द्रोह में काम करता उसको जेल डालने का काम कीजिए, पहली बात है। प्रधानमंत्री पांव छूते हैं तो तब देश प्रेम हो जाता है। नवाज शरीफ, अगर बुजुर्ग माता के पांव छू लिए तो बुजुर्ग माता देश के सैनिकों को हत्या करवाने के लिए आतंकवादी नहीं भेजती थी? वो बुजुर्ग माता को सम्मान क्या है? एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री की माता का सम्मान किया, आपकी तरह हत्यारे के घर रहने लगे, वो हत्यारे को बड़ा भाई नहीं था जैसे आपके हरीश रावत बताते हैं। अरे कर्नल वाजपान है, जनरल वाजपान है, हमारे देश के सैनिकों की हत्या की है, जनरल वाजपा हत्यारा है, देश के सैनिकों का हत्यारा है, उत्तराखंड के जो सपूत, जो उत्तराखंड के सपूत शहीद हुए उन सबका हत्यारा जो जनरल वाजपा है। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। संगीता शर्मा जी, नवीन ठाकुर जी, लखपत पुटोला जी, डिबेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हक की बात चल रही है और दरअसल ये लड़ाई सीटों की है कि सीटों में किसको कितना हक मिलता है। लड़ाई के बाद देखेंगे किसका कितना जोर रहता है और किसको कितने टिकट मिलते हैं। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।